नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 2024 के चुनावी युद्ध में बीजेपी लंबे समय से अपने तीर तरकश को मजबूत करने में लगी हुई है और इन तीरों का निशाना उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर पार्टी की जीत है, जिसके लिए बीजेपी ने एक साथ कई रणनीतियों का फॉर्मूला तैयार किया है। जहां एक तरफ तो बीजेपी के दिग्गज हारी हुई सीटों पर पार्टी की कमान संभालने की तैयारी में हैं, तो वहीं योगी मंत्रिमंडल में जुड़ने वाले नए मंत्री भी चुनावी समीकरण को सेट कर बीजेपी के पक्ष में करने में लगेंगे। इसके साथ ही खबरें ये भी हैं कि यूपी में एमपी का फॉर्मूला भी लगाया जाएगा, जिसके चलते कई विधायक चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। जिसके बाद अब देखना यह है कि ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान की ताजपोशी की कयास लगाए जा रहे हैं, इससे क्या बीजेपी की रणनीति पर जनता अपनी सहमति की मुहर लगाएगी या नहीं, तो आज बीजेपी के इसी फॉर्मूले पर करेंगे बात। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और चुनावी मोड में अव्वल रहने वाली बीजेपी इस बार भी हथियारों को धार देने की कवायद शुरू कर चुकी है, जिसके तहत अब यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य योगी आदित्यनाथ ने रख दिया है और बाकायदा रणनीति पर कसरत शुरू हो चुकी है। बीजेपी का मेन फोकस इस बार 2019 में हारी हुई बाजी को जीत में पलटने का है, जिसके लिए 2019 बीजेपी के हाथ से गई 14 लोकसभा सीटों पर अब दिग्गज चेहरों पर दाव खेलने की तैयारी भी हो चुकी है और इन चेहरों में बीजेपी के मंत्रियों से लेकर फिल्मी सितारों के साथ साथ पूर्व और मौजूदा नौकरशाहों की फौज चुनावी युद्ध में बीजेपी की ओर से कमान संभालने की तैयारी हो रही है। वहीं इन खबरों के बीच खबर ये भी है कि योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की भी तैयारी हो चुकी है। आने वाली दीपावली के मौके पर योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वैसे ये सिर्फ खबरें ही हैं, क्योंकि इससे पहले जिक्र नवरात्रों का भी था, लेकिन नवरात्रों में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। मगर सोहिलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनने की तमन्ना क्या इस बार पूरी होगी? इसके साथ ही हाल ही में समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले दारा सिंह चौहान भी इसी कतार में इंतजार कर रहे हैं। दरअसल घोसी उपचुनाव में करारी हार के बाद दारा सिंह चौहान का सियासी भविष्य अटकलों के बीच के दौर से गुजर रहा है, मगर बीते कुछ दिनों में उन्होंने लखनऊ से दिल्ली तक की खासी दौड़ भी लगाई है। वही खबरें ये भी हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री और विधायक लोकसभा चुनाव की टिकट की दौड़ में भी शामिल हैं। वो मौजूदा सांसदों के सामने चुनौती पेश कर सकते हैं, जैसे कि लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद को पार्टी इस बार पीलीभीत से चुनाव लड़वा सकती है। वहीं समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण के नाम पर भी चर्चाएं हैं कि वो इटावा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का नाम भी फिरोजाबाद से, तो मथुरा सीट पर भी एक विधायक के नाम की चर्चाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश मॉडल पर भी कई सांसदों की नींद उड़ी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहां भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी उस फॉर्मूले पर अमल कर ले। बीजेपी की मंशा है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 80 की 80 लोकसभा सीटों को जीत सके, जिसके लिए खाद पानी तैयार किया जा रहा है। साथ ही इन नए योद्धाओं पर जिम्मेदारी होगी इस बार इन सभी 14 सीटों पर कमल खिलाए, जिसके लिए पार्टी आलाकमान से लेकर कार्यकर्ता तक सभी कमर कस चुके हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के सितारे और दिग्गज चेहरे क्या राजनीति के आसमान में बीजेपी के सितारे बुलंद कर पाते हैं या फिर नहीं। मगर उससे बड़ा सवाल ये कि क्या ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि ये मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें इससे पहले नवरात्रि के समय भी आ रही थी, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार हुआ नहीं। अब देखना ये होगा कि दीपावली को लेकर ये जो खबरें आ रही हैं, ये क्या पूरा हो पाता है, और यदि पूरा हो पाता है तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के तहत काम कर रही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देती हूं। गौरव मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका।
इसके अलावा हमारे साथ तारिक खान जी सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैनेन्द्र प्रताप सिंह प्रवक्ता सुभाषपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल गौरव जी आपसे ही, मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन ये खबरें नवरात्रि के समय भी आई थी, क्या वाकई में होगा इस बार मंत्रिमंडल विस्तार? देखिए प्रियंका जी, लंबे समय से इस विषय पर चर्चा हो रही है और मीडिया के माध्यम से ही संभावित एक तरह से पिक्चर ड्रॉ किया जाता है मंत्रिमंडल विस्तार का, लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। जिस समय उपयुक्त समझ में आएगा उस समय मंत्रिमंडल का वो विस्तार करेंगे। इस पर बहुत स्पष्ट तौर पर कुछ कह पाना अभी संभव नहीं है, लेकिन हमारी 80 की 80 लोकसभा सीटों में हमारी जीत सुनिश्चित हो, उस दृष्टि से जो कुछ भी आवश्यक होगा और जब जब आवश्यक होगा वो हमारी पार्टी करेगी। ठीक है, मैं तारिक खान जी आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे पास ओपी राजभर कुछ कहते हुए नजर आ रहे, पहले सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। केंद्र से हरी झंडी मिल गई है, जल्दी तारीख तय होगी और आपको सूचना मिल जाएगी। क्या जिम्मेदारी मिल सकती है? जिम्मेदारी मिलेगी, आप सफल होने के बाद ही ना बताई जा सकती है। क्या लगता है आपको किस तरीके से है? हम तो खुदा स्वतंत्र है, जानते हैं हमारे विषय में आप लोग बेहतर। तो तारिक खान जी आपके पास वापस आती हूँ, ओपी राजभर कह रहे हैं कि हरी झंडी मिल गई है उनको। तारिक खान जी, जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है, आपने सुनी ऊपर ओपी राजभर इस समय क्या कुछ कह रहे हैं? उनका कहना है कि हरी झंडी मिल गई है उनको। हरी झंडी मिली है केंद्र से, स्टेट से पता नहीं मिली है नहीं मिली है, क्योंकि बार बार उन्होंने ये बात कही कि मैं दिल्ली बात करके आऊं, मेरा मंत्री बनना तय है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि क्या टीम चयन में कैप्टन का कोई रोल नहीं रहेगा? क्या योगी जी से नहीं पूछा जाएगा कि क्या मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? शायद यही सुलह समझौता कराने के लिए दिल्ली बुलाया गया था सबको। हमसे क्या मतलब लाल झंडी, हरी झंडी, काली झंडी, पीली झंडी, जिस रंग की झंडी देना हो दे। हरी झंडी किससे मिली है ये आपको कैसे खबर लगेगी? वो कह रहे हैं हरी झंडी मिल रही है, हो सकता है दिल्ली में, कि जिस कैप्टन की आप बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का आवास दिल्ली में है। योगी आदित्यनाथ का आवास दिल्ली में है, वो दिल्ली में रहते हैं, 10 जनपद पे उनका घर है। कैसी बातें करते हैं, दिल्ली में तो केंद्र के नेता रहते हैं। अगर सेंट्रल, अगर राष्ट्रीय पार्टी से कोई मिलने जाता है, ठीक है तारिक खान जी, लेकिन आप भी जानते हैं कि दिल्ली से यदि कुछ फैसला आता है तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश से बातचीत नहीं होती होगी? गौरव मिश्रा जी हमारे साथ हैं। गौरव जी, तारिक खान जी कह रहे हैं कि दिल्ली से हर झंडी मिली है, लेकिन राज्य से मिली है या नहीं मिली है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या ऐसा होता है भारतीय जनता पार्टी में? प्रियंका जी, सैद्धांतिक रूप से बहुत स्वाभाविक है, ओम प्रकाश राजभर जी बहुत शीर्ष नेता है और समाज में बहुत अच्छी पकड़ है, और योग्य और सक्षम लोग ऐसे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, और उसकी संभावनाएं भी है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। और यदि वो ऐसा कह रहे हैं तो कुछ विश्वास के साथ ही कह रहे होंगे, और जब भी ये कार्यक्रम आयोजित होगा। लेकिन तारिक खान जी तो यहाँ सवाल उठा रहे हैं कि राज्य से नहीं मिली उन्हें हरी झंडी, वो तो दिल्ली से आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक व्यापक एक सिस्टम है, कार्य पद्धति है, वन मैन आर्मी सिस्टम नहीं है कि एक परिवार का इजाजत ले लिया और सब वहीं से हरी और काली झंडी वहीं से और नीली झंडी और पीली झंडी सब वहीं से आ जाती है। एक परिवार का सिस्टम नहीं है, यहाँ पर पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और किसी भी विषय पर एक व्यापक चर्चा होती है, शीर्ष नेतृत्व से, राज्य के नेतृत्व से और क्षेत्र के नेतृत्व से, पूरा एक सिस्टम है, उसको फॉलो किया जाता है। और अगर वो कह रहे हैं ऐसा तो स्वाभाविक है, उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है, और जब भी ऐसा कार्यक्रम होगा, आयोजन होगा, तो उसको चीजें दिखाई देगी। ठीक है, तारिक खान जी जवाब दीजिएगा, आप तो पीडीए के फॉर्मूले को लेकर चल रहे थे, ओपी राजभर यदि मंत्री बन जाते हैं तो क्या लगता है आपको, पीडीए का फॉर्मूला जो आप लेकर चल रहे हैं उससे चुनावी जीत आपको मिल पाएगी अब? हाँ बिल्कुल, इनको घोसी में ओपी राजभर ने सारा बैकवर्ड का वोट दिला दिया था, घोसी में बैकवर्ड का सारा वोट बीजेपी को ही दिया, तभी तो घोसी की सीट ये लोग लगभग 1 लाख वोट से जीते। चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं, जो वहाँ के विधायक चुने हुए हैं वो भी गलत चुने हुए हैं। ठीक है, गौरव मिश्रा जी जवाब दीजिएगा। देखिए मैम, देखिए सुनिए मैम, जो फैक्ट होता है वो आंकड़ा ही होता है। आप अभी चुनाव हारे, अब आप हारे हुए सरदारों की टोली लेकर चलना चाहते हैं तो हम क्या करें? आप 5,000 हारे हुए सरदार बटोर में और जो लोग हारे हैं उनको भी मंत्री बना, चुनाव का ये सब तो हारे हुए लोग हैं, बनाइए मंत्री, हम तक क्या लेना। पूरे उत्तर प्रदेश में दो चार नाम और एक एक नेता, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, आज जो संख्या उन लोगों की दिखाई दे रही है, क्या उसमें उनका योगदान नहीं है? क्या उसको नकारा जा सकता है? इस तरह की बात करना, और सिर्फ एक विधानसभा के कई फैक्टर काम करते हैं,
कई फैक्टर काम करते हैं उसका दो नहीं, कई फैक्टर नहीं, हम लोग कोई बाय इलेक्शन हार जाए तो उत्तर प्रदेश खत्म, और आप लोग बाय इलेक्शन हारे तो उत्तर प्रदेश में आप जीता हो गए, सारा बैठक दिला दिया, जादू कर दिया, जहाँ पे इनकी मिल्कियत थी, जहाँ पे इनकी रजिस्ट्री थी, वहां का चुनाव ये हार गए। तो ये किस तरह की बातें करते हैं? ये पूरे देश का चुनाव होगा और देश के चुनाव में व्यापक कई विषय काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है तारिक खान जी, लेकिन मेरा सवाल ये कि आप और आपकी पार्टी तो पीडीए की बात करते हैं, तो यदि पिछड़ों के अत्याचारों की आप बात कर रहे हैं और ये पिछड़ों को मौका दिया जा रहा है तो उसमें तो आपको खुश होना चाहिए। हाँ, तो यही पिछड़े तो सेलेक्टिव पिछड़े हैं कि जो आपकी पार्टी के साथ पिछड़े हैं उनकी चिंता तो है, लेकिन जो आपके साथ नहीं, मैं खुश हो जाऊंगा, रास्ता नहीं, मैं खुश हो जाऊंगा। ये 5 लाख पिछड़ों को नौकरी दे दे, मैं खुश हो जाऊंगा। कैसे इन्होंने पिछड़ों का जहां पर आरक्षण था अभी नौकरी निकली, वहां पर इन्होंने 15% पिछड़ों को नौकरी दी है जहां 27% आरक्षण होना चाहिए। नहीं, वो ठीक है, वो सवाल आप उठाते रहिएगा, लेकिन ओपी राजभर पिछड़ी जाति का नेतृत्व कर रहे हैं, तमाम लोग उनके साथ हैं, यदि उनको मंत्री बनाया जाता है क्या दिक्कत है कोई? मैम, घोसी में प्रूव हुआ कि बैकवर्ड ओपी राजभर के साथ है, अगर साथ होता तो घोसी जीतते नहीं, जीतते इसका मतलब बैकवर्ड इनके साथ नहीं है। ये झूठा नाटक है, सिर्फ हवा का गुब्बारा फैलाया जा रहा है, आंकड़े से साबित करिए ना कौन सा चुनाव नहीं। ठीक है, लेकिन तारिक खान जी आपके साथ भी, आपकी पार्टी में भी आए थे ओपी राजभर, तो आपने उनको आपने कैसे शामिल किया था? क्या लगता था आपको कि कोई जनाधार नहीं है और तब भी गठबंधन आपने कर लिया? पर्यटक है, सब जगह जाते रहते हैं, अभी गए हैं, इन्हीं लोगों को गाली देकर वापस। सुभाषपा से भी प्रवक्ता जैनेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। जैनेन्द्र जी, जिस तरह से सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं तारिक खान जी के द्वारा, वो कह रहे हैं कि घोसी का जो चुनाव है उसने बता दिया कि कितना जनाधार है और क्या नतीजा निकल कर सामने आया है, इस पर क्या कहना है आपका? मैं तारिक भाई क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो उनकी अपनी सोच है, मैं बता देता हूँ। स्वार हार गए, छानवे हार गए, रामपुर हार गए, आजमगढ़ हार गए, एक उपचुनाव जीत गए हैं, तो इनके मुंह, ये अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हैं। दूसरी चीज मैं बता देता हूँ, हम 2017 में भाजपा के साथ सहयोगी थे, तो भाजपा को कितनी सीटें मिली पूर्वांचल में वो आपको क्लियर है, और जब हम 2022 में सपा के साथ थे तो पूर्वांचल में भाजपा को कितनी मिली और सपा को कितनी मिली, बात स्पष्ट हो जाती है। एक चीज मैं बता देता हूं कि बहुत स्पष्ट है कि अगर हमारे नेता ने अभी जो बयान दिया उसके हिसाब से मंत्रिमंडल जो विस्तार होने जा रहा है तो उनका नाम भी शामिल है और उनको जल्द ही मंत्री बनाया जा सकता है दिवाली से पहले, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ठीक है। तो चीज एक और जो एक पिछड़ा वर्ग की बात आई थी तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2012 से 2017 तक और उससे पहले 3 बार सरकार रही समाजवादी पार्टी की, पिछड़ा आज भी पिछड़ा ही है। अगर माननीय योगी जी और केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार ना आई होती तो पिछड़ों की दयनीय स्थिति और भी ज्यादा दयनीय हो जाती। मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जब इनकी सरकार थी तो पिछड़े वर्ग का आरक्षण केवल एक ही जाति से, तो जाति जो है उन्हें सारी बाल्टियां भरी गई, दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा। ठीक है, तारिक जी जवाब दीजिएगा, ये जो पीडीए प्रेम की अभी आप बात कर रहे हैं, आपके कार्यकाल में कामों की जब बात की जाती है तो दलितों को काम दिखाई नहीं देते, शासन काल में हुआ और जो दलितों को प्रमोशन में आरक्षण मिलता था उसको इन्होंने खत्म किया और 2 लाख कर्मियों को, राज्य कर्मी जो थे उनको रिवर्स बैक किया। तारिक जी जवाब दीजिएगा, बता देता हूँ जो अभी जवाब नहीं है कैसे सभी लोग बोलेंगे एक साथ, वो भी अपना बार 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 बोल करते रहे, हम भी बोले उनको चुप कराइए, बोलो या उनको म्यूट कराइए। जैनेन्द्र जी जवाब सुन लीजिए। जी तारिक जी, नहीं जौहर यूनिवर्सिटी में जो जमीन हड़प के जौहर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी जिसमें सजा हुई आजम खान जी को, जैनेन्द्र जी आपके पास आती हूँ, तारिक जी जवाब दीजिएगा। अब इनको चुप कराइए, इनको म्यूट करा दीजिए। आप चुप करिए, आप बोलिए। अरे आपका भाषण मैं मानता हूँ, चलिए इनकी बात ही मान लेता हूँ, हमने बैकवर्ड के लिए कुछ नहीं किया, मान लेता हूँ इन्हीं की बात, कम से कम उनकी नौकरियां तो उनकी नौकरियां तो, अब ये अपना बोल लिया, अब हमें नहीं बोलने दे रहे। नहीं, बोलिए ना, जैनेन्द्र जी, जैनेन्द्र जी, अरे जैनेन्द्र जी सुन लीजिए, जैनेन्द्र जी
जयनेन्द्र जी, आपने सवाल पूछा है, जवाब तो सुन लीजिए। जयनेन्द्र जी, जयनेन्द्र जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपको पूरा समय भी दूंगी जी। हाँ, मैं बोलने के बाद मुंह पे ताला लगा लूंगा, मुझे गाली भी देंगे तो सुन लूंगा, मेरा सिद्धांत रहता ही है, लेकिन जवाब सुन लें। हम ये कह रहे हैं कि आपने अभी बताया कि हम फलानी फलानी हाँ, नहीं, नहीं, थे। हाँ ठीक है तारिक खान जी, गाली 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 डिबेट में गाली वाली की कोई बात नहीं है, आप अपनी बात रखिए जी। हाँ, दोनों जवाब ये सुन ले। इन्होंने बताया हम यहाँ हारे वहां हारे, अरे भाई ठेका ओपी राजभर ने घोसी जिताने का लिया था, हम घोसी बात कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी का ठेका लो ना, आप बीजेपी की काहे बात कर रहे हो। लेकिन तारिक खान जी, आप कोई चुनाव नहीं हारे, आप तो विधानसभा चुनाव हारे हैं, फिर एक उपचुनाव की आप बात करते हैं, क्यों क्यों? अरे हम तो स्वीकार करते हैं, जनादेश है, हम सर पे रखते हैं, जनादेश को सर पे रखते हैं, यहाँ पे स्वागत करते हैं, और जीतने वाले को मुबारकबाद देते हैं, सामने वाले को उसको गले भी लगाएंगे, कहीं मिल जाएगा। ये तो लोकतंत्र है, इज्जत करना सीखे लोकतंत्र की। जनता ने हमें जनादेश दिया कि विपक्ष में बैठिए, हम बैठे विपक्ष, वो ठीक है। लेकिन तारिक खान जी, सवाल जयनेन्द्र जी का ये था कि अपने कार्यकाल में आपने पिछड़ों के लिए किया क्या? तारिक खान जी, सवाल का जवाब दीजिए आप। जवाब तो इनको चुप कराइए देता हूँ, हमने कुछ नहीं किया। अभी लेखपाल की नौकरी आई, उसमें 1400 पद ये खा गए, उनके 1400 पद खा गए। 27% आरक्षण होना चाहिए, 15% आरक्षण के साथ उसका एडवर्टाइजमेंट दिखाऊं मैं आपको खोल के? मई में आई थी वो नौकरी, आप मुझे टाइम। तारिक खान जी, तारिक खान जी, सरकार है, सरकार का विरोध तो आप करेंगे, विपक्ष है, आपको सवाल उठाना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ नौकरी इन्होंने निकाली, मैं क्यों करूंगा, मैं कौन होता हूं? इन्होंने नौकरी निकाली। गौरव मिश्रा जी, गौरव मिश्रा जी, जवाब दीजिएगा तारिक खान के सवाल का। एड दिखाता हूँ आपको, एड दिखाता हूँ, आप एड देखिए। गौरव मिश्रा जी, पढ़ता हूँ, आवाज साफ नहीं आ रही जी। जी गौरव मिश्रा जी, तारिक खान सवाल उठा रहे हैं कि आपके समय में आपने कुछ अभी तक पिछड़ों के लिए किया नहीं, नौकरियां भी नहीं निकाली, जो निकाली थी वो भी कैंसिल हो गई। देखिए ये तो मतलब उल्टा छोर कोतवाल को डांटे कुछ ऐसी बात है। पिछड़ों के नाम पर अपना महल बनाने वाले, पिछड़ों की राजनीति करके तमाम अट्टालिकाएं खड़े करने वाले, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाएंगे। पिछड़ा आयोग बनाया किसने? पिछड़ा कमीशन आयोग किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाया। और सर्वाधिक अगर हक हिस्सा किसी के कार्यकाल में मिला हो, हिस्सेदारी मिली हो, चाहे वो सरकार की हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी की हो, चाहे नौकरी की हो, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मिली है, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र के भी सर्विसेज में। आप उठा करके देख लीजिए पूरा आंकड़ा। इन्होंने सिर्फ पिछड़ों की राजनीति करके उनको दबाया है, कुचला है, और तो दलितों को तो छोड़ ही दीजिए, उनका तो कोई पुरजा हाल ही नहीं रहा है। तो इन्होंने सिर्फ अपना घर भरने का, अपना तिजोरी भरने का काम किया है। और ये बात करते हैं पिछड़ों की, सिर्फ एक शहर, केवल एक शहर तक सीमित नहीं होता है विकास। विकास समग्र होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए और सब तक पहुंचना चाहिए। ठीक है गौरव मिश्रा जी, वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए पिछड़ों की राजनीति करते हैं। ठीक है गौरव मिश्रा जी, गौरव मिश्रा जी, ठीक है गौरव मिश्रा जी, ये माना कि बहुत सारे आयोग आपने बनाए हैं और आपने काम किया है, लेकिन इस समय जो चुनाव के समय जो ठीक मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और जिस तरह की रणनीति के साथ हो रहा है, जिनका जिनका नाम सामने आ रहा है, क्या ये भी यही रणनीति है कि चुनाव में किस तरह से आपकी हारी हुई सीटें और साथ ही साथ 80 की 80 सीटें मिलेंगी, उसके बाद एक फॉर्मूला तैयार हुआ है और उसके आधार पर आपका मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है? जी हाँ प्रियंका जी, हमारी प्राथमिकता है कि जिन सीटों को हमने गंवाया था पिछले चुनाव में, जिस पर हमारी जीत नहीं हो सकी थी, उन सीटों को भी हम हासिल करें। यही वजह है कि 80 में से 80 सीटों पर हम विजयश्री हासिल करें, उसकी व्यापक योजना बनी हुई है, उसमें हमारा। तो ऐसे में जिन पिछड़ों की आप ताजपोशी कर रहे हैं, वो भी चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं? देखिए चुनाव तो अग्नि परीक्षा होती है किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए, और उसमें जाना ही पड़ता है, उसके लिए सभी पार्टियां रणनीति बनाती है। भारतीय जनता पार्टी भी रणनीति बना रही है और उसमें वो सभी पक्ष समाहित होते हैं जिससे उसको लाभ पहुंचे, और भारतीय जनता पार्टी भी वैसी कर रही है, और उसके लिए आवश्यक पड़ेगा मंत्रिमंडल विस्तार का, तो मंत्रिमंडल विस्तार भी करेगी। तो आप ये मान रहे हैं कि ओपी राजभर से लेकर तमाम जो नेता आपके मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, वो 2024 के चुनाव के लिए शामिल होने जा रहे हैं? देखिए हम तो ये मान रहे हैं, आप देखिए मीडिया भी एक स्तंभ है और उनके पास भी सूचनाएं रहती हैं, आपके सूचना के आधार पर हम मान रहे हैं, लेकिन इसके बिल्कुल फर्म बोलने के लिए जब तक हमारा श्रेष्ठ नेतृत्व उसकी घोषणा नहीं करता, जब तक हमारे प्रदेश का नेतृत्व उसकी घोषणा नहीं करता, तब तक हम कैसे कह सकते हैं? लेकिन हाँ, यदि इसकी आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जरूरत समझ में आई, तो निश्चित रूप से चुनाव के पूरी सारी चीजें होंगी। ठीक है जयनेन्द्र प्रताप जी,
जिस तरह से गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं कि चुनावों के मद्देनजर यहां पर ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, क्या आपको लगता है कि चुनावों के मद्देनजर मंत्रिमंडल का पद तो मिल जाएगा आपके मुखिया को, लेकिन उतना भला हो पाएगा इस गठबंधन में आके? क्योंकि आप पहले भाजपा में थे, भाजपा से फिर आप सपा में गए, सपा से आप फिर भाजपा में आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के बाद यदि आपके मन मुताबिक बात नहीं हुई तो फिर आप रास्ता बदल ले? नहीं, भाजपा हमारी नैसर्गिक सहयोगी है, जो हमारी विचारधारा है लगभग वही विचारधारा भाजपा की भी है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो जनता को फायदा पहुंचाना है, और वही भाजपा का भी अंतिम लक्ष्य है। लेकिन जयनेन्द्र जी, पिछली बार जब ओपी राजभर जी नाराज हुए थे तो उनका यही कहना था कि काफी लंबे समय से लटका कर रखा और उसके बाद हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए सपा में जा रहे हैं। नहीं तो कहीं पे कुछ खामियां रही थी, उस समय अलग हुए थे, इसमें कोई नई बात नहीं है, राजनीति के अंदर होता है। अगर आप देखेंगे इसी उत्तर प्रदेश के अंदर सपा ने किसी टाइम में भाजपा के सहयोग से सरकार बनाई थी, कांग्रेस का साथ लिया, बसपा का साथ लिया, महान दल का साथ लिया, और कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद यही मंत्री पद पिछली बार नहीं मिल पाया था, तभी आप सपा में चले गए थे। नहीं, पिछली बार तो मंत्री पद था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था हमारे नेता को। नहीं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था लेकिन आप पिछड़ों की जो बात आपके मुखिया कर रहे थे उस बात को लेकर नाराजगी थी। इस बार मंत्री पद मिल रहा है लेकिन आगे अगर कोई शर्त नहीं मानी गई, पिछली बार भी था और इस बार भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक बात है लोगों को, जो आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति है, जो अंत्योदय है, वहां तक फायदा पहुंचना चाहिए लोगों को, और वहां तक पहुंचाते हम रहेंगे। ये हमारा जो गठबंधन है उसकी यही परिकल्पना है जो माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने शुरू की थी। ठीक है, तारिक खान जी, सवाल यहाँ पर ये है कि पीडीए का नारा तो आप लेकर चल रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रणनीति लेकर आगे चल रही है और मंत्री यदि सामने बना देती है तो क्या लगता है आपको कि आप तो सिर्फ कह रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, फिर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा कैसे भारी नहीं हुआ? मुझे समय दीजिए, एक्सपोज करने दीजिए। ये एडवर्टाइजमेंट है ग्राम पंचायती राज विभाग का, मार्च में निकला था, ठीक है। 1468 टोटल पद है मैम, जिसमें अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 139 है। कितना परसेंट हुआ? 1468 का 139 हुआ 9%। ये एड लिए बैठा हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, प्रूफ लेके आता हूं, सब टीवी चैनल पे बैठता हूं, कहीं भी जाता हूं। ये एडवर्टाइजमेंट है और निकालने वाला विभाग है, चुप कराइए इनको, पहले चुप कराइए वरना मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मैं प्रोग्राम में आऊंगा नहीं आज के बाद, मैं आज के बाद आपके प्रोग्राम में आऊंगा नहीं, आपके चैनल दो तारीख खान जी भाई, मैं आपको समय तो दे रही हूं बोलूंगा। जयनेन्द्र जी, अपनी बकवास कर रहे हैं, सुन रहे हैं आराम से बैठकर। तारीख खान जी इतनी मर्यादा रखी, अरे आपके साथ ही रह चुके हैं पहले, ठीक है। जयनेन्द्र जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चुप कराइए इनको, जयनेन्द्र जी बोलने का मौका दीजिए सबको। जी, ये एड लिए बैठा हूँ मैं जो एडवर्टाइजमेंट यूपी गवर्नमेंट ने निकाला था, विभाग है पंचायती राज विभाग, ग्राम पंचायत अधिकारी अनारक्षित पद है 849, अनुसूचित जाति के लिए है 356, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए है 07, ठीक है। तारिक खान, अन्य पिछड़ा, एक सेकंड, मैं आपने यही मुद्दा उठाया था ना, मुझे प्रूफ तो देने। नहीं नहीं, बोलिए आप। वर्ग के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 139, अभी हमसे पूछ रही थी कि हमने क्या दिया, कम से कम 27% का 9% तो नहीं किया था, ये देखिए प्रूफ, 27 का 9 कर दिया। गौरव मिश्रा जी, दैट्स इट, गौरव मिश्रा जी, मेरा हो गया, कम से कम हक तो नहीं मारा था इनका। गौरव मिश्रा जी, जवाब दीजिएगा, कह रहे 27 का 9 कर दिया आपने। जी प्रियंका जी, जी तारिक खान जी कह रहे हैं कि पंचायती विभाग की भर्ती में आपने 27 का 9 कर दिया। बिल्कुल नहीं, ये सब गोलमाल तो ये लोग करते थे, कब्जा हो जाए उसका विधान समाजवादी पार्टी में बना था, इसमें तो तारिक खान जी, आप भी शांत हो जाइए, अब आप भी शांत हो जाइए। जी जी गौरव जी,
देखिए मोबाइल पे स्क्रीनशॉट दिखा करके क्या बताना चाहते हैं, जनता मान रहे की वही सरकार ने निकाला है, ये दिखा रहे हैं हम थोड़ी ना निकाले, और धुंधलापन और भ्रष्टाचार के गवर्नमेंट का है आपका ग्राम पंचायत ने जनता ने इनको जहां होना चाहिए वहां बिठाया है, इनकी स्वीकार्यता नहीं है, घर से निकले हैं फिर काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ठीक है तारिक खान जी, तारिक खान जी सरकार ने निकाली है नौकरी ना, मैंने थोड़ी ना निकाली, मेरे घर से मेरे दादा ने निकाली क्या नौकरी, तारिक खान जी 9% की आप बात कर रहे हैं लेकिन पिछड़ों के तमाम नेता उनके साथ हैं, वो बात करेंगे, वो अपना मामला सॉल्व करते हैं। जैनेन्द्र जी क्या कहना है आपका, तारिक खान जी कह रहे 27 का 9 कर दिया फिर भी आप उनके साथ हैं? नहीं, तारिक खान जी को थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, होता क्या है कि जब नई पार्टियां निकलती हैं उनमें पूरा आरक्षण दिया जाता है और जब पुराने पदों को बहाल किया जाता है उनको भरा जाता है, तो जिन जिन जातियों से वो पद खाली हुए उनको दिए जाते हैं, ठीक है, और ये जो दिखा रहे हैं ये उन्हीं भारतीयों का दिखा रहे हैं, यहाँ पे नए पद और प्लस पुराने पद दोनों को भरा जा रहा है, तो इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब मैं इनका बताता हूँ, जूनियर शिक्षक भर्ती घोटाला, प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला, टीजीटी घोटाला, एजुकेटेड भर्ती घोटाला, ग्राम घोटाला, और पीजीटी भर्ती घोटाला, ग्राम ठीक है। तारिक खान जी आपसे मैं जाना चाहूंगी राज्य सरकार क्या जितना संविधान में आरक्षण है उससे कम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, कर ही रही है मैम, कर सकती है, नहीं कर सकती है। का प्रूफ दिखाएं, ये जो कोरिलेशन बता रहे हैं कि नया है पुरानी भर्तियों में आरक्षण कम कर दिया जाता है, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड का फाइनल कमेंट गौरव जी आपसे लूंगी, उसके बाद डिबेट को मैं समाप्त करूंगी। जी गौरव जी, देखिए प्रियंका जी ये दूसरी दिशा में चली गई बहस, वास्तविकता तो ये है कि 80 सीटों को चुनाव जीतने के लिए हमारी पार्टी और हमारी सरकार में जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और उस दृष्टि से जो भी तैयारी करने की आवश्यकता पड़ेगी हम तैयारी कर रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है क्योंकि इनका जो तथाकथित इंडी गठबंधन था उसमें तलवारें खींची हुई है, आप देख सकती हैं किस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। ठीक है गौरव जी, बहुत धन्यवाद। तारिक खान जी बहुत धन्यवाद आपका, और जनेन्द्र प्रताप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की जिस तरह से खबरें आ रही हैं, और साफ तौर पर यहां देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो उसका लक्ष्य 2024 है। देखना ये होगा कि मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही साथ 2024 के लक्ष्य को भेदने की जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्या उसमें वो कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।